तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में। स्किन केयर रूटीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप स्किन का ध्यान नहीं रखते तो वो बढ़ भी सकती है और आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। तो आपको अपनी स्किन के हिसाब से स्किन केयर रूटीन को डिजाइन करना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए भी अलग हो सकता है और ड्राई स्किन के लिए भी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि मैं अपनी स्किन पे क्या लगाता हूँ और कौन से प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है तीर्थ। इस वीडियो में हम बात करने वाले स्किन केयर रूटीन के बारे में। वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गो। तो एक हेल्दी स्किन की शुरुआत होती है सुबह सुबह, और इसलिए आपको सबसे पहला काम सुबह करना चाहिए, वो है पानी पीना। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन। तो ऐसे ही अगर आपको अंदर से अपनी स्किन को ठीक करना है तो पानी और अपने डाइट पे फोकस जरूर करना होगा। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो यहाँ क्लिक कीजिए और ये वीडियो देखिए, इसमें मैंने डाइट के बारे में भी बताया है। तो आप अपने स्किन पे क्या लगाते हो उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बॉडी में क्या डालते हो जिससे आपकी स्किन इम्प्रूव हो सकती है। तो मैं अपनी स्किन पे 3 से 4 ही चीजों का यूज करता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहला है कि मैं जब भी फेस वॉश करता हूँ, अपना मुंह धोता हूँ, तो मैं ठंडे पानी का यूज करता हूँ। मैं कोल्ड वाटर से ही मुंह धोता हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। तो ठंडे पानी से मुंह धोने में आपकी स्किन में बहुत ज्यादा फायदे दिख सकते हैं। आपकी एक्ने ठीक हो सकती है, आपका ऑयल कंट्रोल हो सकता है और आपकी स्किन टाइटनिंग की वजह से आपकी स्किन स्मूथ भी लग सकती है। तो मैं जब भी अपना फेस वॉश करता हूँ दिन में कभी भी, तो मैं ठंडा पानी ही यूज करता हूँ, मैं गर्म पानी यूज नहीं करता। ठंडे पानी से मुझे बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। तो दूसरी चीज आती है फेस वॉश। फेस वॉश मैं दिन में एक बार ही यूज करता हूँ समर में। तो अच्छा फेस वॉश यूज करने से आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट दिख सकती है, आपकी डेड स्किन खत्म हो सकती है, डर्ट और ऑयल भी कम हो सकता है। तो अच्छा फेस वॉश यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी जो फेस वॉश यूज कर रहा हूँ वो है वाउ स्किन साइंस एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश, जिसमें पैराबिन्स, सल्फेट, सिलिकॉन, कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो मिलता है। एंड दिस फेस वॉश इज मेड विथ ऑल नेचुरल एक्टिव्स। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं करंटली जो फेस वॉश यूज कर रहा हूँ वो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप वो लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले भी सकते हैं। तो ये फेस वॉश मुझे ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि इसका ब्रश बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है और आपको डीप क्लींजिंग देता है। तो इसकी वजह से फेस वॉश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा मैं अपने फेस पे क्या लगाता हूँ वो है फेस पैक। तो वीक में एक बार मैं फेस पैक लगाता हूँ जिसकी वजह से मेरी ऑयली स्किन कंट्रोल रहती है। तो जो मैं अभी फेस पैक यूज कर रहा हूँ वो है एजटेक सीक्रेट का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी मेरी ऑयली स्किन को कंट्रोल करने में। तो मैं इसको एक बार वीक में लगाता हूँ और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी स्किन टोन भी अच्छी हो सकती है, आपको नेचुरल ग्लो भी ये देता है। तो ये था फेस पैक जो मैं वीक में एक बार यूज करता हूँ। अब चौथा पॉइंट आता है, वो है हमारा खुद का अपना एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल जो है वो मैं नाइट में सोने से पहले लगा के सोता हूँ और ओवरनाइट रखता हूँ। आप नेचुरल जेल भी यूज कर सकते हो और मार्केट में जो मिलती है वो भी यूज कर सकते हो, आपको फायदा जरूर होगा। और अगर आपको एलोवेरा के फायदे जानने हैं तो ये वीडियो क्लिक करिए, आप इस वीडियो के बाद ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एलोवेरा के फायदे क्या है वो भी बताए हैं। तो इस 4 चीज को मैं फॉलो करता हूँ, ठंडा पानी, फेस वॉश, फेस पैक और एलोवेरा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस चारों चीज को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, लेकिन आप अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए एक रूटीन जरूर बना सकते हो जिससे आपकी स्किन में फायदा जरूर होगा। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक बटन को क्लिक कर दिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। आओ जो, जय हिंद।